अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली साइन वेव को प्लॉट करना सीखेंगे स्मार्ट लैब में। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें पता हो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमें क्या नजर आ रही है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस वन। देयर इज एन एम्पलीट्यूड ओमेगा रेडियल फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज द फेज। उसके बाद इसको किस किस तरीकों से हम देख सकते हैं मैथमेटिकली, ये तो डिफरेंट थ्योरम टाइम है जिसमें एक्स ऑफ टी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ए ई जे थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, वेयर ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम इसका रियल पार्ट देखेंगे कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई जे ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस वन। बाकी इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ई जे फाई जो है वो ज्यादा लिखे ई जे ओमेगा टी ज्यादा है। ई जे फाई इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम एक्स वेरिएबल का नाम देते हैं जिसको हम अपने कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड बोलेंगे और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होके। तो आज के दिन इस वीडियो लेक्चर में हम ये तीन तरीकों से साइन वेव को प्लॉट करना जो है वो सीखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मैटलैब कोड पे जो कि मैंने पहले तो उसका बना के रखा हुआ है ताकि इसी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम इज टू प्लॉट द साइन वेव एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा टी प्लस वन। लेकिन ये सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट है हमने उनको डिफाइन कर लिया, ए में पता हो ओमेगा में पता हो और फेज में पता हो। सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया, उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी को डिफाइन किया, नेक्स्ट जो चीज है वो हमने फेज को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने इनको फिक्स कर दिया। नेक्स्ट जो काम है हमारा, हमने टाइम पीरियड डिफाइन कर लिया, टाइम पीरियड वन ओवर एफ, और फिर हमने रेडियन फ्रिक्वेंसी को मैप कर दिया दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। नेक्स्ट जो चीज है अगर हमने प्लॉट करना उसके लिए इम्पोर्टेंट ये टाइम मैटर है कि अगर हमने किसी भी सिग्नल को प्लॉट करना तो हमें मैटलैब में उसको बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक उसको प्लॉट करें। तो ये बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है इसके लिए कि हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। स्टार्ट टाइम आ गया, ये हमारा स्टार्ट टाइम हमने बताया जीरो से स्टार्ट, और ये हमारा एंड टाइम है कॉलम के बाद सबसे एंड। ये हमने कहा है कि एक टाइम पीरियड तक हम उसको प्लॉट करना चाहते हैं, ये तो दरमियान में ये हमने बताने कि इसमें कितने उसमें सैंपल लेने, क्योंकि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हम देंगे तो उसको प्लॉट करेंगे। तो हमने कहा एक टाइम पीरियड में 30-23 सैंपल ये हुए, तो ये हमने टाइम वेक्टर को डिफाइन कर लिया। अभी जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला लिखा ए इनटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव टी एच फाइव, तो फिर हमने लास्ट में इसको प्लॉट कर लिया। ये प्लॉट की कमांड है, टी का टाइम वेक्टर और ये एक्स उसका हमारा फंक्शन आ गया, रेड कलर में प्लॉट होगा। होल्ड आउट की कमांड मैंने इसलिए इस्तेमाल की है ताकि ये स्टेम और प्लॉट एक ही उसमें हो। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ आपको स्टेम प्लॉट नजर आएगा क्योंकि जो रिसेंट आपकी स्टेटमेंट होती है वही वहां की प्लॉट होती है। अगर आप दोनों दो प्लॉट्स को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि होल्ड आउट की कमांड इस्तेमाल करेंगे और फिर एंड में उसको होल्ड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। इसको लिए मैंने इसको यहाँ पे का बटन प्रेस किया, यहाँ पे ये इसका ग्राफ अभी आ गया, ये विंडो आ गया, उसको यहाँ पे निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें आप फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो सिर्फ इसमें आपको इसलिए फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि ये साइकिल एक ही रहेगा। फ्रिक्वेंसी चेंज करने से जो चीज फर्क चेंज होती है वो उसका टाइम वेक्टर है, नीचे जो एक्स एक्सिस पे नीचे नीचे स्केल जो चलता है। मैं 50 को 150 कर दूंगा और उसको अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे नीचे टाइम स्केल जो है चेंज हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट इधर की तरह प्रोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन फेज अगर आप चेंज करते हैं तो फेज का इफेक्ट जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये फेज का इफेक्ट। इसी तरह ये आपकी अब टाइम वेक्टर जो है वो क्या चीज है इसके अंदर देखें। अभी मैंने एक साइकिल किया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकती हूँ, यानी कि मैं उसे कहता हूँ 2 साइकिल उसने क्रॉस करने। जब हम उसको रन करेंगे तो देखिए आपको 2 साइकिल, ये आपको ये जो है ये चीज क्या है, ये आपके नंबर ऑफ सैंपल है कि एक साइकिल में कितने सैंपल ले रहे हैं। तो ये अगर मैं 10 कर देता हूँ तो देखें आप ही में जितने ज्यादा ये सैंपल लेंगे उतना ही बेहतर जो है वो चीज़ हमें नजर आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर,
और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर मैं होल्ड और ये चीज़ें नहीं लगाऊंगा तो उसने इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ सिंपल। इसको अब मैं रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ ये साइन में हो रहा है। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये होल्ड ऑन की कमांड क्या करेगी, ये स्टेम ये जो आपको सैंपल प्लॉट है उसको शो करेगी। अगर मैं यहाँ पे स्टेम लिखता हूँ यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ गेम, तो स्टेम की कमांड आपको इसको रन करें तो सिर्फ आपको ये ग्राफ सैंपल ग्राफ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है। अब इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे इधर मैं प्लॉट लिख देता हूँ स्टेम के लिए, तो ये आपको दोनों चीजें नजर आ चुकी। ये हमारे आपको कोर्स है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब हमने ये तरीका हमने देख लिया, इसी को मैं कमेंट कर देता हूँ लाइन को। और अब जो है अगर मैं दूसरे तरीके से इसको प्लॉट करता हूँ, क्या था एक्स ई जे ओमेगा टी, ए ई जे ओमेगा टी रियल करता ये कैपिटल ए पे लिख दिया प्लस पी एच फेज लिख दिया। तो कोड में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को चेंज कर दे और आप उसको प्ले करें। आप देखिए वही रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। तो इसमें हम चेंज करके देखते हैं, स्क्रीन चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा के बाकी ये चीज चल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये आपकी दूसरे तरीके से चल पड़े एक्सपोनेंशियल वगैरह। और अगर आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड वाले तरीके से चल रहा, तो इसके लिए मैंने क्योंकि ये ऊपर डिफाइन किया हुआ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड जे फाइव ये हमने लिखा, इधर हमने कैपिटल एक्स कर देना है और ये फेस को हमने यहाँ से रिमूव कर देना। तो अब ये वाला कोड जो है आप देख सकते हैं, तो हमने बड़े सिंपल से दो लाइनों में या तीन लाइनों में चेंज करके इसको मैं बीस कर देता हूँ। ओके आपको ये डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका तरीका हो गया जिसमें हमने एक साइन वेव को प्लॉट करना देखा। अगर ये थे फिक्स कि जिसमें एम्पलीट्यूड भी फिक्स है, फ्रिक्वेंसी भी फिक्स है, फेज भी फिक्स है और टाइम भी है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये यूजर खुद से एंटर करना चाहता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम में चेंज किया जाएगा। इनकी जगह जो हमने पीछे रखी हुई है इनको हम इनपुट करा देंगे यूजर से। तो इनपुट की कमांड ली ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर एम्पलीट्यूड फेज फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने और ड्यूरेशन यूजर से ली। बाकी कोड आपका वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है ये जो ड्यूरेशन यहाँ पे हमने थ्री निकाला था अगर ड्यूरेशन का, तो ये कोड में सिंपल चेंज है। अब आप देख सकते हैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मांगेगा, मतलब मुझे थ्री एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी में कहता हूँ जी 100 है, फेज जो है मैं कहता हूँ पाए है और सॉरी पाए छोटा डाला है पाए दे दिया, ड्यूरेशन में कहता हूँ जी 2 सेकंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आ, इसको मैं ग्रीन की जगह ब्लैक कर देता हूँ, ये रेड कर देते हैं। तो आपको तो आप देख सकते हैं 2 मिनट में ये चीज जो है दोबारा प्ले करें, आप एम्पलीट्यूड चेंज कर दे 4 कर दें, फ्रिक्वेंसी में कहता हूँ 35 कर दी, फेज जो है वो 5/6 कर दिया और ड्यूरेशन में तो जी मैं 2 सेकंड देख लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 सेकंड जो नजर आ चुके। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इनपुट की कमांड हमने लगाई, बाकी हमने कोड में कोई चेंज नहीं। और सेम अगर यही काम हमने एक्सपोनेंशियल के लिए करना है तो क्या होगा, नीचे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले कॉस था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है, बाकी सारी चीज वही है। और सेम इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं ये कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड वाले तरीके से करें, वो अंश यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कैपिटल एक्स को डिफाइन करना है, वो हमने अब चेंज यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड फेस के लिए हमने डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड यूज से लिया। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड मैं इसको दे सकता हूँ 3+4J यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी 100 है
और यहाँ पे डोनेशन दे दीजिए, मैं तेरे को 3 सेकंड देख ले, तो देखिए आपकी साइन में अप्रोच कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसलिए हम उसको एंगुलर पोलर फॉर्म में भी दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह हम उसमें 2 साइन में इसको ऐड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक, अल्लाह हाफिज़।